आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से आज महाराजगंज जिला मुख्यालय स्थित एक होटल में गोरखपुर जोन के एडीजी डॉक्टर के एस प्रताप कुमार की अध्यक्षता में भारत व नेपाल के उच्च अधिकारियों की एक बैठक की गई, जिसमें नेपाल के रूपनदेही, नवल परासी, कपिल वस्त एवं भारतीय क्षेत्र के महाराजगंज, सिद्धार्थनगर जिले सहित बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण के अधिकारी मौजूद थे। बैठक में चुनाव के दौरान आपसी सामंजस्य बनाकर गड़बड़ी पैदा करने वालों को चिन्हित कर कार्रवाई करने, सूचनाओं के आदान प्रदान एवं अपराध व अपराधियों पर लगाम लगाने पर सहमति बनी। आज 2 अप्रैल 2024 को जनपद महाराजगंज मुख्यालय में नेपाल के 3 जिले नवलपरासी पश्चिम, रूपनदेही कपिलवस्तु एवं बिहार का जिला पश्चिम चंपारण एवं बगहा के अधिकारीगणों के साथ एवं सिद्धार्थनगर के अधिकारीगणों के साथ ये आगामी लोकसभा निर्वाचन चुनाव के दृष्टिगत एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुई, जिसमें लगभग 10 बिंदुओं पे चर्चा हुई और एक कॉमन कंसेंसस हुआ। इन बिंदुओं को के दृष्टिगत, क्योंकि महाराजगंज एक एक्सपेंडिचर सेंसिटिव लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जहाँ पे कैश और इलीगल लिकर और ड्रग्स के वजह से यहाँ पे सेंसिटिविटी रहती है, तो उसके दृष्टिगत हमने कॉमन पॉइंट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर चर्चा की है। नेपाल के अधिकारीगणों ने एवं बिहार के अधिकारीगणों ने हमें पूरा सहयोग करने की पूरा आश्वासन दिया है और हमें पूरा भरोसा है कि आगामी निर्वाचन में यहाँ पे एक फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन जनपद महाराजगंज में हम लोग करवा पाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय नेपाल बॉर्डर से जुड़े हुए नेपाल राष्ट्र के 3 जिले, जिसमें नवलपरासी वेस्ट, रूपनदेही एवं कपिलवस्तु और इस तरफ भारतवर्ष के महाराजगंज और सिद्धार्थनगर जिले के आला अधिकारियों का आज बैठक हुआ। डीआईजी रेंज गोरखपुर भी इसमें शामिल हुए। नेपाल राष्ट्र की तरफ से इन 3 जिलों के चीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स एवं उनके एसपी साहबान और नेपाल के आर्म्ड पुलिस के भी एसपी रैंक के अधिकारीगण और उनके कस्टम्स के अधिकारीगण भी इस बैठक में शामिल हुए। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य जनरल इलेक्शन जो आने वाला है, जिसकी तिथियां घोषित हो गई हैं, इस जनरल इलेक्शन को फ्री, फेयर मतलब स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से संपादित करने के लिए आपसी सहयोग के लिए यह बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में इंटरनेशनल चेकपोस्ट में जॉइंट चेकिंग फ्रिस्किंग एवं सीसीटीवी से उसको लैश करना, ड्रोन से सर्वेलेंस करना, असामाजिक तत्व दोनों तरफ से कौन कौन है यह सूची आपस में शेयर की गई है और जो वह असामाजिक तत्व जो वांटेड चल रहे हैं, वांछित चल रहे हैं, जो असामाजिक तत्व जिनके खिलाफ यह अभिसूचना है कि ये स्वतंत्र चुनाव में गड़बड़ी कर सकते हैं, ऐसे लोगों के पर भी कड़ी कार्रवाई करने के लिए आज आम सहमति बनी हुई है। यह बहुत अत्यंत खुशी की बात है कि दोनों तरफ के आला अधिकारी एक दूसरे के साथ आज मिलकर आपसी सामंजस्य स्थापित किए हैं। यहाँ तक के आला अधिकारी ही नहीं, निचले स्तर तक मतलब थाना स्तर तक थानाध्यक्ष भी, दोनों बॉर्डर के दोनों तरफ के थानाध्यक्ष एक दूसरे का मोबाइल नंबर एक्सचेंज किए हैं और उन दोनों में भी सामंजस्य रहेगा। साथ ही एसएसबी के सारे बटालियन, करीब 14 कंपनी लगेंगे, ये एसएसबी द्वारा भी अभिसूचना संकलन में भी, जॉइंट पेट्रोलिंग में भी, चेकिंग फ्रिस्किंग में भी हम सब साथ मिलकर काम करेंगे। इस प्रकार ये मल्टी प्रॉन्ग्ड
ये एफर्ट के वजह से, मल्टी लेवल टास्किंग की वजह से यहाँ पूर्ण उम्मीद है कि असामाजिक तत्वों पर, अवैध शराब पे, अवैध मादक पदार्थों पे और किसी भी प्रकार के अन्य प्रकार के बाधाओं से निपटने के लिए पूर्ण तैयारियां आज हुई हैं और इन तैयारियों की वजह से एक शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव संपन्न होगा।